तो आइए देखते हैं कि कस्टमर इनएक्टिव के कितने टाइप हैं। आप किसी कस्टमर में जाइए, स्टेटस जहां एक्टिव है वहां पे ग्रीन मार्क को आप क्लिक करें, वहां आएगा स्टॉप बिलिंग, स्टॉप फ्रॉम टुडे। पहले हम देखते हैं स्टॉप बिलिंग क्या है। स्टॉप बिलिंग पे अगर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पूछ रहा है कि आपको 1 जुलाई से, विच इज़ द न्यू बिलिंग साइकिल, जो भी आपका नया बिलिंग साइकिल है वहाँ से आपका जो है कस्टमर इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे 1 जुलाई आ रहा है बिकॉज ऊपर 30 जून तक आपके बिल बन चुके हैं। तो ये केस हो गया। सेकंड केस हम आप वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टॉप फ्रॉम टुडे। स्टॉप फ्रॉम टुडे में आज की डेट आएगी कि 5 जून से आपका जो ये कस्टमर है ये इनएक्टिव हो जाएगा, ताकि आगे जो अगर इनके आने वाले बिल्स हैं उनमें वो ऐड ना हो। तो आप इसको ओके कर सकते हैं अगर आज से इनएक्टिव करना है तो। इसके बाद अब हम देखते हैं एक और बार क्लिक करके लास्ट ऑप्शन जो है इसका, स्टॉप ऑन अदर डेट। किसी और अदर डेट पे अगर आपको इसको स्टॉप करना है, जैसे कि आपको किसी यूज़र ने बोला कि आप हमारे 10 तारीख के बाद नहीं दीजिएगा, तो आप 10 तारीख को जाके उस कस्टमर को इनएक्टिव कर देंगे, सो दैट आपको 9th को या 10th को याद नहीं रखना होगा कि इनको कब से इनएक्टिव करना है। तो ऐसे आप उसको पूरे आगे के लिए इनएक्टिव कर सकते हैं।